तो ये जो है हमारा तीन हिस्से हमने याद रखने हैं। ये पूरा जो ग्रीन पार्ट है ना, ये जुबान की करवट, ये इस तरह से डिवाइडेड है। फिर ये जो ग्रीन पार्ट है इसमें से निकलता है बौध, बौध, ठीक। और ये जो येलो पार्ट है आगे का, यहां से निकलता है लाम। तो अभी पहले हम आ जाते हैं बौध की तरफ, मखरज ऑफ बौध। अच्छा, बौध का जो मखरज है उसका जो है अक्सल हाफा के अतराफ जो हैं ये हैं अक्सल हाफा, और पीछे के ये एक दो तीन चार अदरास जो थे ना, अदरास जो थे हमारे दवाहिक, उसके बाद तीन जो है तवाहिन, और फिर लास का हमारा जो अकलदार था वो। तो हमारे ये जो है ये नवाजिज, सो यहाँ हमारे जो एक दो तीन चार, और यहाँ पर ये देखें ब्लू हुआ है ना, बस इतनी जुबान जो है, जुबान तो पूरी यूज होगी बट क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसकी इसका क्या कहेंगे कि काम ज्यादा है, इसीलिए इसको ये कहा जाता है कि ये अक्सल हाफा एग्जैक्टली जो है वहां से मखरज बाद अदा होगा। अब यहां पर देखें जुबान की दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ होंगे, ऊपर के दोनों तरफ की चार चार दाढ़ों के किनारे, अंदर की जो प्लेट्स है ना, ये एक दो तीन चार, इनमें अंदर जो था कि हमने दबा देनी है उसको, ये वाला अदनल अदनल हाफा को, ठीक है, कैसे ऐसे उठा देंगे, ठीक है। अभी स्लाइड दूसरी चीज है, अभी बस उठाने का आप मरहला देखें। तो ये देखें ऊपर उठेगी और फिर आगे स्लाइड होगी, वो दूसरी चीज है। अभी ऊपर जो है वो तो बिल्कुल उसको हम ऊपर उठा लेंगे जुबान को, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो जुबान के दोनों किनारों को ऊपर उठाकर इनके मुखालिफ ऊपर की चार दाढ़ों की जड़ों पर ले जाकर सख्ती से दबाएं और जुबान को मुकम्मल दबाकर चिपका लें, जैसे ग्लू लगी हो। उठाएं अभी, और ऊपर के जो चार दाढ़े हैं दोनों तरफ की, उनकी अंदर की प्लेटों पे दबा के रख दें। अच्छा चलें, उससे पहले आप एक काम करें, आप ये देख रहे हैं ना, अपनी जुबान ढीली छोड़ें मुंह में, और थोड़ा सा अपनी साइडों को जरा थोड़ा सा दांतों से दबाएं, जैसे आप चबाएं किसी चीज को, काट नहीं लेना, बस सिर्फ दबाएं, महसूस करें उसके किनारे, ये चार दाड़ों से। जुबान नीचे रहने दें, अभी नॉर्मल रखें, देख रही हैं आप जहां पर आपका बाइट है ना साइडों पे, ये देखें ये होगा, ये वाला पार्ट होगा, इसको आपने ले जाके ऊपर ले जाना है, पूरी जुबान उठेगी, पूरी उठेगी जुबान, कंसंट्रेट आपने इस इलाके पे करना है, ले जाके ऊपर के चार जो ये अदरास हैं उनके अंदर की जो प्लेट्स है ना उनमें दबा देना, ले जाके करें, दबाएं पहले, फील करें उसको, या फील साथ साथ में टाइप करें, बताते जाएं मुझे, ये ऐसे अदा नहीं होता, ये आपको साथ साथ करना पड़ेगा। जिन सिस्टर्स का नहीं निकलता वो प्लीज प्रैक्टिस करें, जिनका निकलता है माशाल्लाह वो भी करें, पहले फील करें कौन से किनारे ऊपर जाएंगे, और फिर उन्हीं किनारों को पूरी जुबान उठाइए और कंसंट्रेट करें पीछे के ये अक्सा अक्सल हाफा पे,
اور اوپر کے چار داڑوں پہ اندر کی پلیٹ پہ دبا دیں لے جا کے. کیسے؟ اگ اگ دبا دیں. اٹھ رہا ہے سب؟ اب تک ٹھیک کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. نہیں، اچھا یہ ہمارا حاف تو ضاد ہو گیا. کہیں اگ اگ اگ. اچھا اب اس میں کیا ہوگا نا، جب یہ اوپر چپکا لیں گے، اب زبان تو اوپر چپک کر فکس ہو گئی ہے، تو داد کی آواز کیسے نکلے گی؟ وہ ایسے نکلے گی کہ ہم زبان کو تھوڑا سا آگے سلائڈ کریں گے، اپنی جو دانتوں کے مسوڑے ہیں نا، یہاں اب اب لے جائیں آگے. اور زبان ویسے نہیں ہوتا کوئی ایک کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ویکیوم ہوتا ہے نا، اس کو جب آپ چپکا دیتے ہیں، جو اکثر وہ شیشے پہ ہم لوگ چپکاتے ہیں کوئی چیز، چھوٹا سا کوئی چپکا دیتے ہیں گاڑی کے شیشے پہ آگے یا پیچھے، وہ چھوٹا سا لگا ہوتا ہے نا پلاسٹک کا، اس کو آپ جیسے لگاتے ہو پھر چھوڑتے ہو نا جب اس کو، تو کیسی آواز آتی ہے تھوک کر کے. یہ لگ گیا، اب کیا کریں، زبان جو آواز ہے وہ اندر بند ہوگی کیونکہ چاروں طرف سے بند ہے. پھر کیا کریں گے، زبان تھوڑی سی آگے سلائڈ کریں گے، خود ہی چھوٹ جائے گی. اب ہو رہا ہے، یہ جو چیز ہے نا سلائڈ کر کے آگے کے دانت جو سامنے کے ہیں سنایا علیا، ان کی جڑوں سے پہلے پہلے ہم نے اس کو وہاں تک نہیں جانا، تھوڑا سا بس اس کو سلائڈ کر دینا. وہ جو ہم نے مقناطیس کے جیسے چپکا دیے نا، ان سے چھڑانے کے لیے زبان پوری اوپر رہے گی، اس پروسیس میں نیچے نہیں آئے گی. اب ادی ادو ہو رہا ہے. یہ تو میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا، ابھی آگے ہم ایک ایک چیز کو واضح کریں گے نا تو زیادہ پتہ چلے گا. اچھا اس معاملے میں دو صفات آپ یاد رکھ لیں، ایک تو ہم نے ابھی صفات پڑھی نہیں ہے پر آپ یاد رکھ لیں ان کو. ایک ہے زبان کو جو میں نے کہا نا اوپر چپکائے، اس کو کہتے ہیں استعلاء، یہ تو پڑھا نا ہم نے، صحیح ہے نا. دوسری چیز جو ہے وہ ہے اطباق. اطباق یہ دیکھیں مقناطیس ہے نا، مقناطیس کے جیسے چپکا لینی ہے زبان اوپر، اور یہ سلائڈ دیکھ رہے ہیں آپ، پھر آگے تھوڑی سی سلائڈ کرنی ہے. کیسے؟ یہ اوپر گئی، تھوڑی سی آگے سلائڈ ہو. یہ اوپر پھر تھوڑی سی آگے، یہ تو کچھ زیادہ ہو رہا ہے پر اس طرح سے نہیں، بالکل دانتوں کے پیچھے رہنا آپ کو. اب اسی چیز کو ہم دوسرے وے سے دیکھ لیتے ہیں. زبان کو اوپر اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اٹھ کے ہم نے چپکا دی، یہ جو ہمارے ایک دو تین چار، ان میں جا کے اندر کی پلیٹوں میں دونوں طرف سے زبان چپک گئی، دبا دی ہم نے. اب تو مصیبت ہو گئی کہ بھائی یہ کیا ہوا، اب دود کی دا کیسے نکالیں گے؟ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، زبان کو تھوڑا سا سلائڈ کر لیں گے یہاں تک. اب اب ابی ادو چپکا کے رکھنا ہے اور دبا کے آگے کی طرف سلائڈ کرنا ہے. ہو رہا ہے؟
ठीक है चल, अब और इसको देखिए और क्लैरिटी से। ये जुबान है, ये हमने लगा दी और फिर आगे स्लाइड कर दी, लगी और आगे थोड़ी सी स्लाइड होगी, ठीक है। जुबान ऊपर उठी, आगे स्लाइड हो गई, जुबान ऊपर उठी, आगे स्लाइड हो गई। जो आगे स्लाइड होने वाली सिफ्त है ना, उसको इस्तिताला कहते हैं, इस्तिताला, ठीक हो गया। अब एक दफा फिर यहां भी रिपीट कर लेते हैं। पहला स्टेज यहां पर देखें, जुबान ऊपर लग गई, चिपक गई, इसको देखें आप, जुबान ऊपर चली गई, चिपक गई, बस खत्म। अब इसको छुड़ाना है, अब इसको ऊपर रखे तो हम दौ तो नहीं पढ़ सकते, अब कहाँ गया भाई दौद, दाद का फतहा दमा कसरा, अब देखेंगे खुद ब खुद आगे फिर ये स्लाइड होगी। ये थोड़ा एग्जैजरेट मैंने रखा ताकि आपको स्लाइडिंग का पता चले, ठीक है। इतना पीछे से आगे नहीं जाएगा, थोड़ा सा मेरे ख्याल एक दो सेंटीमीटर बस, क्योंकि जुबान ऑलरेडी जो है वो हमारी पूरी ऊपर उठी हुई है। अब इदी उदु बा बा दी दू, जब तक स्लाइड होके आगे नहीं फेंकेंगे आवाज नहीं निकलने वाली। अच्छा यहाँ पर ये गौर करें, ये जो पिक्चर है, ये जो ब्लू है ना, यहाँ पर हमारा जोर आ रहा है, ठीक है, ये बड़ा हमने प्रेस किया है। और ये येलो जो है ना, जुबान यहाँ लग रही है लेकिन यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर कहाँ पर है, ये नीले जो है ना डॉट्स यहाँ पर, ये चार जो अदरास है हमारे, इन पे प्रेशर है, अंदर की प्लेट एग्जैक्टली जहाँ ये नीले आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। रखे यहाँ पर फिर से जुबान, द आराम से आगे स्लाइड करें और द निकाल दें, वो खुद ही आप जब उसको छुड़ाएंगे ना आपको लगेगा कि चिपकी हुई चीज को ही छुड़ाई जा रही है। ठीक है, यहां पर आपको वाइब्रेशन यहां से सारी पूरी आवाज जो है, और ये होता क्या है ना कि जब हम जुबान ऊपर उठाते हैं तो जो साउंड है ना वो यहाँ पर कैद हो जाता है, जो गड़ा बनता है ना जुबान का, इसको निकाल, और यहाँ से भी बंद है, यहाँ प्रेशर नहीं है बट सॉफ्टली रखा हुआ है बट बंद है, बेचारी आवाज कहाँ जाए, उसको निकलना है। तो उसकी मदद करेंगे, जुबान थोड़ी सी स्लाइड कर देंगे और यहाँ का साउंड दा दी दू जो भी होगा वो निकल जाएगा। अब ये जो बाद है, ये ना सबसे डिफिकल्ट जो लेटर है वो है बाद जो है, ये किसी भी जुबान पे ये जो बाद है ना ये हर्फ नहीं है। जैसे अगर हम देखते हैं लाम है तो एल है इंग्लिश में, फ्रेंच में, सब में है ना, बा है सब में, और ता जैसे टी भी आता है, लेकिन जो बाद है ये खास एंड खास अरबिक का लेटर है, इसीलिए अरबिक के जो जुबान है उसको लुगत बाद भी कहा जाता है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं लुगत बाद, ठीक। अच्छा अब इसको हम दो तरीकों से अदा कर सकते हैं, सॉरी तीन तरीकों से बाद को अदा कर सकते हैं। कैसे, जुबान जो है ना उसको अगर आपको दोनों तरफ उठा के नहीं हो रहा, जुबान आप सिर्फ इस तरफ उठा के इधर दबा दें दांतों में करें,
बाएं अब 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 हो रहा अब फिर या दाई तरफ कर लें राइट हैंड साइड पे भी कर सकते हैं अब 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 ऊपर उठा लें बस ये पार्ट उठाएं लगा लें और जैसे हमने अभी प्रैक्टिस की दोनों साइड से भी हम कर सकते हैं ठीक है ये आपके पास चॉइस है अगर आपको दोनों तरफ से अब नहीं हो रहा आप एक तरफ जाइए बाएं तरफ अब 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 मैं साइड पे जा रही हूँ बाएं तरफ दाएं तरफ अब ये कुछ मुझे डिफिकल्टी लगती है बिकॉज जो लेफ्ट हैंडर होते हैं शायद उनके लिए इजी हो जुबान की टिप तो लगेगी ऊपर पूरी जुबान ऊपर उठेगी लेकिन कंसंट्रेट मैंने क्या कहा कहाँ करना है आपने पहले मैंने आप लोगों को कहा अपनी जुबान थोड़ी सी बाइट करें साइडों पे स्पेसिफिकली मैंने आपसे कहा जुबान पूरी इस्तेमाल होगी लेकिन किस पे कंसंट्रेट करना है क्या चीज़ पे प्रेशर होगी वो भी मैंने आपको बताया ठीक है तो ये था हमारा बाद का मखरज अब हम करते हैं मखरज लाम लाम मखरज जो है वो अदनिल हाफा अदनिल हाफा ये जो येलो हुआ है यहां से निकलेगा इजी है हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मुश्किल कोई मसला नहीं होता ठीक है तो ये अदनिल हाफा से हम क्या करेंगे उसको निकालेंगे मखरज लाम जुबान के किनारों के अगले हिस्से जो मुंह के करीब है इसे जुबान की नोक तक और इसके मुकाबले सामने के ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लगाने से अदा होता है कोई मुश्किल होती नहीं हमें बस इतना ख्याल रखें अगले दांतों के सनाया उलिया के जो मसूड़े हैं उस पर लगता है अल अल इल उल ठीक है ये अदनिल हाफा ये उन्होंने क्या कहा कि जुबान के किनारे जो है अदनिल हाफा उसकी नोक तक और उसमें जो है ये तरफ लिसान भी आता है ना करें अल लग रहा है ना यहाँ पे अल अल किनारे भी और तरफ लिसान भी ऊपर से यूज हो रहा है तो यहाँ पूरी जो गोलाई है ना ये पूरी यूज होगी अदनिल हाफा की ये देखें और आपको जो साउंड है ना अल देखें फील करें यहां से निकलता हुआ फील होगा अल इल उल यहाँ पर आपको जो है साउंड निकलने का पॉइंट है लाम के लिए अच्छा अब लाम हमने जा हमें पता है कि ये कौन से हैं ये शुबह मुस्तालिया है ना कभी मोटे होते हैं कभी बारीक होते हैं तो लाम जो है वो उनमें से एक हर्फ था है ना अल्लाह पढ़ते हैं तो क्या है लाम मोटा होता है और बाकी में लाम मोटा नहीं होता लफ्जुल जलाला में ही लाम मोटा पढ़ते हैं हम याद है ना सुपुर पढ़ते हैं तो उसमें जो जुबान की पोजीशन होगी ना वो ये होती है इसको अल्लामुल मुफ़ख़्ख़मा और ये अल्लामुल मुरक्क़का ये जब हम बारीक पढ़ते हैं अल हुवल्लाह आप फील करेंगे यहाँ पे गड़ा बनेगा पीछे से जुबान उठेगी क्योंकि इस्तेला बन जाएगा ना हुवल्लाह سَيُؤْتِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ وَذْكُرُوا اللَّهُ ठीक है जब हम अल्लाह पढ़ते हैं तो जुबान की पोजीशन ऐसी होती है और जब हम नॉर्मल लाम पढ़ते हैं जैसे बिस्मिल्लाह अफिल्लाहि शक्कुन
قُلِ اللَّهُمَّ, تو یہ پوزیشن اس طرح ہوگی کیونکہ پھر وہ لام ہم مفخم پڑھتے ہیں نا. اچھا اب ہمارا ایسا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے, تو آج ہم اتنا ہی رکھ لیتے ہیں, پھر اگلی دفعہ ہم نون اور را کر لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ پریکٹس کریں, میرے لیے ضروری ہے کہ آپ جو باد ہے پلیز اس کو آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ لام جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہمارے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں تک ہی تھا ہمارا آج کا لیسن. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ